चलिए सर, देखिए प्लीज, हमने क्या किया है अभी तक जो हम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 की हम बात कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सा और इंटरेस्टिंग सा छोटा सा चैप्टर है। अच्छी बात यह है, यू हैव 3 एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर ऑन द बेस ऑफ 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं और 3 ही एक्सरसाइज हैं आपके पास इस चैप्टर में। तो पहली जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं अभी, एक्सरसाइज 7.1, इट इज जस्ट सिंपली बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। वी हैव 2 पॉइंट्स, x1 y1 आर कोऑर्डिनेट एंड q x2 y2 आर कोऑर्डिनेट, देन द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन PQ इज इक्वल्स टू Under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ये हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसमें जो क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, हमने क्या किया है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए होंगे, सपोज a गिवन हो 2, 3, b गिवन हो 4, 5, तो यू कैन फाइंड डिस्टेंस ए बी। दूसरा क्वेश्चन हमने किया है कि नहीं, हमारे पास ए गिवन ना हो सपोज करो, या ए गिवन हो और बी में से कुछ मिसिंग हो, एक्स या वाई सपोज करो, और डिस्टेंस गिवन हो कि ए बी इज 10 यूनिट, तो हमसे क्या कहता है, वाई फाइंड करिए। ये भी हमने किया है। थर्ड हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन हो, ए 2, 3, बी 4, 5, सी सपोज करो 7, 0, तो यहाँ आपसे चेक कराता है, चेक करिए आर ए बी सी को लीनियर। ये हमसे कराता है। अगर को लीनियर की बात करते हैं तो ऑल मस्ट लाई ऑन द सेम लाइन। तो इफ इट इज अवर ए, इज अवर बी, इज अवर सी, तो हमने क्या किया था, हम ए बी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, हमने क्या किया था बी सी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और हमने क्या किया था, हम ए सी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ए बी हमारा सपोज करो 3 आ जाए, बी सी हमारा 5 आ जाए और ए सी हमारा 8 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर है। इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, सम ऑफ एनी टू, ध्यान रखना, जरूरी नहीं ए बी प्लस बी सी हो, ऐसा भी हो सकता है कि ए बी प्लस ए सी, बिकॉज आपको इनकी लोकेशन नहीं पता है। कहने का मतलब क्या, हो सकता है ए यहाँ हो, बी यहाँ हो, बट सी यहाँ हो। इन दिस केस ए बी प्लस ए सी विल बी बी सी, तो सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इफ इक्वल्स टू थर्ड डिस्टेंस देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये भी हमने किया। अभी फिर हम इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपसे टाइप डिस्कस कर रहा हूँ। फिर हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक एक क्वेश्चन अभी सब पे लेंगे हम, हम आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बता रहे हैं। फिर हमारे पास क्या था कि नहीं, आपके पास 3 पॉइंट्स तो हैं और वो कोलिनियर भी नहीं है, तो आपसे पूछ रहा था कि भाई अगर वो कोलिनियर नहीं है तो दे विल फॉर्म ए ट्राइंगल, तो आपसे पूछता है कि टाइप ऑफ ट्राइंगल बताओ। तो अगर टाइप ऑफ ट्राइंगल की बात आती है, तो हमारे पास ट्राइंगल जो होते हैं वो स्केलिन होते हैं अगर सारे डिस्टेंस डिफरेंट हो, ए बी बी सी ए सी ऑल 3 आर डिफरेंट, तो स्केलिन ट्राइंगल। फिर हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं इफ एनी टू डिस्टेंस आर इक्वल, तब आपके पास, और इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं इफ ऑल 3 डिस्टेंस आर इक्वल, या फिर आपके पास राइट ट्राइंगल होते हैं अगर आपके पास पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है। पाइथागोरस का मतलब जो भी लॉन्गेस्ट साइड है, स्क्वायर ऑफ दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड, तो फिर आपके पास वो राइट ट्राइंगल होता है। हमारे पास क्या है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि नहीं, हमारे पास कंडीशन दे दे क्वेश्चन में, कंडीशन क्या दे दे कि भाई हमसे कह रहा है ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, तो आपसे रिलेशन निकलवा ले, इक्वेशन निकलवा ले या कोऑर्डिनेट निकलवा ले। तो इसका मतलब क्या था कि हमारे पास ए गिवन है एंड इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस इक्वल है। अब इससे जो भी इक्वेशन आए या कुछ आए,
ये हमने डिस्कस किया, हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो हम देख रहे हैं और फिर उसके बाद में इनके इन पे एक एक क्वेश्चन फिर करेंगे। हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या है कि फोर पॉइंट्स आर गिवन, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर इस एक्सरसाइज का रिवीजन लेंगे। इफ फोर पॉइंट्स आर गिवन, तो आपके पास जब भी फोर पॉइंट्स होंगे तो फिर आपके पास क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। अगर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा तो आपसे कहता है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताओ। तो प्लीज जरा ध्यान से देख लीजिए कि होता क्या है, अगर आपके पास फोर पॉइंट्स गिवन है तो यू हैव टू फाइंड सिक्स डिस्टेंस। सिक्स डिस्टेंस का मतलब आपको ए बी निकालना है और आपको सी डी निकालना है। अगर ये इक्वल आ जाए और आपको ए डी फाइंड करना है एंड बी सी फाइंड करना है, तो ये है अपोजिट साइड। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाते हैं तो फिर ये पैरेललोग्राम बन जाते हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें डायगोनल्स निकालने। तो अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है तो इट विल बी सिंपल पैरेललोग्राम। सेकेंड हमारे पास क्या हो सकता है, ये हमारे पास है ए बी सी डी और मैं आपसे कह रहा हूं इसमें हमारे पास अपोजिट साइड इक्वल है एंड डायगोनल्स भी इक्वल है, तो इन दिस केस इट विल बी अ रेक्टेंगल। सपोज करो आपके पास क्या है, डिस्टेंस आपको सिक्स निकालने हैं, उसके बाद कंपेयर करेंगे कि हुआ क्या है कि अगर चारों डिस्टेंस आपके पास इक्वल हो जाए, ए बी सी डी ए डी बी सी ऑल डिस्टेंस आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, रोम्बस, तो इन दिस केस ये रोम्बस हो जाएगा। एंड फाइनली अगर आपके पास क्या है कि चारों डिस्टेंस भी इक्वल हों और डायगोनल भी इक्वल हों, तो ए बी बी सी सी डी ए डी एंड डायगोनल्स इक्वल, तो सिंपल स्क्वायर होगा। ध्यान रखिए अगर पहला वाला कंडीशन ही फेल हो जाए कि भाई हमारे पास अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, तो फिर वो सिंपल क्वाड्रिलेटरल होगा, पैरेललोग्राम भी नहीं होगा। तो ये टॉपिक बचा था हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में, उससे आगे हम देखते हैं। मोहम्मद अरमान, ये देखिए हमारे पास है शो दैट द पॉइंट्स 1742 -1 -1 -4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं और आपको शो करना है कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो अपने पॉइंट्स का नाम रखना है। सपोज ए आपने ले लिया 17, इसी ऑर्डर में ये भी ध्यान रखना है। सेकंड वाला हो जाएगा बी दैट इज 42, थर्ड हो जाएगा सी दैट इज -1 -1 एंड लास्ट हो जाएगा डी -4 -4। अच्छा ये भी है अगर आप इसको ऐसे लिखते फिगर की शेप में, उससे आपको ध्यान भी रहता कि आपने किस किस का डिस्टेंस लिया है। ऑर्डर याद रखना है। Like this. अच्छा तो यही है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप उसमें एक फिगर से टाइप फॉर्म कर लें। तो नाउ आपके पास क्या है, थोड़ा सा जल्दी से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है शॉर्ट में, कि भाई हमें ए बी निकालना है। तो ए बी आप कैसे निकालेंगे प्लीज देख लीजिए। ए बी मेरा हो जाएगा अंडर रूट x2 -x1 4 -1 का स्क्वायर,
प्लस वाई टू माइनस वाई वन, टू माइनस सेवन का स्क्वायर, ये मेरे पास होगा। तो फोर माइनस वन का स्क्वायर थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, टू माइनस सेवन फाइव, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, तो फाइनली आपके पास आएगा अंडर रूट थर्टी फोर। तो इस तरह से एक ही लाइन में आपका डिस्टेंस आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इज बी सी, बिकॉज वी हैव टू फाइंड सिक्स डिस्टेंस। बी सी आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट माइनस वन माइनस फोर स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस टू स्क्वायर। अगर आप चेक करेंगे अगेन, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, थ्री का स्क्वायर नाइन, तो सेम इज थर्टी फोर। आपको निकालना है ए बी, आपके पास आ गया, आपके पास बी सी आ गया। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ए बी आपके पास आ गया, बी सी आपके पास आ गया, नाउ सी डी। तो सी डी हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट माइनस फोर माइनस माइनस प्लस वन स्क्वायर एंड फोर माइनस माइनस प्लस वन स्क्वायर। प्लीज ध्यान रखना है माइनस का। तो पहले वाले में थ्री आएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर प्लस वन फाइव, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, अगेन इट इज थर्टी फोर। तो आपके पास सी डी भी आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड ए डी। तो ए डी आपके पास क्या आएगा, ए डी ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता जी बेटे, ऑटोमेटिकली इक्वल नहीं हो जाता लास्ट वाला, ऑटोमेटिकली इक्वल मतलब जैसे अगर तीन निकाल दिए तो फोर्थ भी वही होता है ना। नहीं बेटे, किसने कहा, हु सेड दिस, ठीक है। तो हमारे पास ए डी क्या आ जाएगा बेटे, माइनस फोर आपके पास बेटे, ये हो सकता है टू, ये हो सकता है टू, ये हो सकता है टू, बट ये कितना हो जाएगा फिर जी, क्या सर, मैंने जो फिगर ड्रॉ करी है, हाँ? आपके पास एक डिस्टेंस ये है, सपोज करो थ्री यूनिट्स, एक डिस्टेंस ये है सपोज करो थ्री यूनिट्स, एक डिस्टेंस ये है सपोज करो थ्री यूनिट्स, ठीक है। तो फिर ये हमारा चौथा जीरो भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो चौथा उससे कम भी हो सकता है जी, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ना भी तो जरूरी ना इक्वल हो जाए, तो ऐसे अज्यूम नहीं करते। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास रह गया ए डी। ए डी क्या होगा बेटा, ये ध्यान रखना है बस, ऑर्डर ये होगा आपका पास, माइनस फोर माइनस वन का स्क्वायर एंड प्लस फोर माइनस सेवन स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ गया भाई, माइनस फोर माइनस वन फाइव, ट्वेंटी फाइव एंड फोर माइनस सेवन थ्री, थ्री स्क्वायर नाइन। तो नाउ वी हैव ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो फाइनली हमारे पास रह गया डायगनल। डायगनल हमारा होता है ए सी। ए सी क्या होगा सर हमारा, ए सी होगा माइनस वन स्क्वायर एंड माइनस वन माइनस सेवन स्क्वायर, दैट इज अवर ए सी। तो टू का स्क्वायर फोर, एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर, तो अंडर रूट सिक्सटी एट। एंड द नेक्स्ट आपका जो डायगनल है वो बी डी है। तो बी डी कितना होगा सर, माइनस फोर स्क्वायर एंड फोर माइनस टू स्क्वायर, सिंपल। तो आपके पास माइनस फोर एट, सिक्सटी फोर एंड फोर माइनस टू टू, टू का स्क्वायर फोर, तो अगेन सिक्सटी फोर प्लस फोर इज वॉट, सिक्सटी एट। तो आपके पास क्या आया, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, हियर ए बी बी सी सी डी ए डी ऑल आर इक्वल एंड डायगनल ए सी इज इक्वल टू बी डी, सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो ये आपका रहता है, कुछ समझ में आया क्या। ये आपका लास्ट टॉपिक है फर्स्ट एक्सरसाइज।